तो दोस्तों बात करेंगे आज एनिमल ने अपने पहले दिन में कितनी कमाई कर ली है और ओवरसीज से क्या हाथ लगा, हिंदी नेट से क्या हाथ लगा और साउथ से क्या हाथ लगा, उसके लिए बात कर लेंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि फर्स्ट डे में ही इतना क्रेज़ इस फिल्म के लिए लोगों का है और फर्स्ट डे फर्स्ट शो का इतना क्रेज़ मैंने बहुत कम देखा है। मॉर्निंग में जो ऑक्यूपेंसी थी वो वाकई में हैरान कर दिया था इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी जो मॉर्निंग में थी। नाइट में तो ऑलरेडी होती है ज़्यादा, लेकिन मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी जो इस फिल्म की मैंने देखी थी, जो क्रेज़ देखा था पब्लिक का, वाकई में काफ़ी हैरान कर दिया इसने। तो बात कर लेंगे एनिमल के डे वन कलेक्शन की और रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले नज़र डालेंगे इसकी ऑक्यूपेंसी पर। तो जैसा कि ऑक्यूपेंसी हम देख रहे हैं, हिंदी नेट की बात करें तो इसकी ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग की जो है 47% की ऑक्यूपेंसी है और आफ्टरनून की 54 और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी जो है 65 और नाइट की 84%। ओवरऑल अगर हम मिलाएंगे तो लगभग 62% की ऑक्यूपेंसी हिंदी नेट में फर्स्ट डे की होती है इसकी, जो काफ़ी अच्छी बात है। और इसके अलावा जो साउथ में तेलुगु में जो इसको रिस्पांस मिला है वो अपने आप में बहुत बड़ी कमाल की बात है। मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 68% और आफ्टरनून की 73%, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी है 71% और नाइट की 84%। मतलब कि ये हिंदी बेल्ट से भी ज़्यादा रिस्पांस तेलुगु में इसको मिला है, लगभग 74% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है इसकी, ये बहुत कमाल की बात है। तमिल वर्जन की बात करें तो तमिल में मॉर्निंग में 16%, आफ्टरनून 20%, इवनिंग में 19% और नाइट में 23% की ऑक्यूपेंसी। ऐसे ही कन्नड़ा में ओवरऑल अगर निकालेंगे ऑक्यूपेंसी तो लगभग 15% के आसपास की है और ऐसे ही मलयालम में लगभग 13% की ऑक्यूपेंसी। तो ये तो ऑक्यूपेंसी की बात रही, जो वाकई में कमाल की बात है ये तो डे वन की बात है। धीरे धीरे मुझे लगता है ये फिल्म जैसे जैसे पसंद आएगी लोगों को, ऑक्यूपेंसी और बढ़ेगी, कलेक्शन भी बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी एडवांस की। तो जैसा कि आपको पता है 34 करोड़ रुपए इसने एडवांस बुकिंग अपनी डे वन की कर ली थी और 34 करोड़ रुपए की जो बुकिंग थी उसमें ब्लॉक सीट्स अभी काउंट नहीं की गई हैं। ब्लॉक सीट्स का मतलब ये होता है कि जो थिएटर में जाकर आप टिकट बुक कराते हैं वो ब्लॉक सीट्स कही जाती हैं। और ये जो 34 करोड़ की जो फिगर्स आई थी ये ऑनलाइन बुकिंग की थी, तो जाहिर सी बात है ये 34 करोड़ से और ऊपर का होगा। जो कलेक्शन सामने आएगी, जो फिगर्स, वो हम आपके पास लेकर आएंगे। और जो हिंदी ग्रॉस में इसका आइडिया लगाया जा रहा है, लगभग 72 करोड़ का ग्रॉस का आइडिया लगाया जा रहा है जो हिंदी नेट से इसका डे फर्स्ट में आएगा। ऐसे ही साउथ बेल्ट से लगभग 12 करोड़ ग्रॉस और ओवरसीज अगर मिलाएं तो 35 करोड़ के आसपास ग्रॉस की उम्मीद की जा रही है, जो आ सकता है लगभग 119 करोड़ ये होता है। तो इसके साथ ही इसने पठान और टाइगर 3 के रिकॉर्ड को भी बीट कर दिया है। टाइगर 3 और पठान के तो एडवांस कलेक्शन को ही इसने बीट कर दिया था। जैसे टाइगर 3 का एडवांस कलेक्शन जो था डे फर्स्ट का वो 23 करोड़ था, वो टूट गया रिकॉर्ड। पठान का 32 करोड़ वो भी टूट गया 34 करोड़ के एनिमल के एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड से। अब ये वर्ल्ड वाइड में जवान के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं ये कहना मुश्किल है, जब फाइनल रिपोर्ट्स आएंगी तब मालूम चलेगा। और इसके अलावा एक चीज़ और बता दें आपको, बांग्लादेश में रिलीज़ होने वाली ये चौथी मूवी बन चुकी है। पहली मूवी पठान, दूसरी जवान और उसके बाद लियो, और चौथी फिल्म जो बांग्लादेश में रिलीज़ हो रही है वो एनिमल। और अपने ए रेटेड सर्टिफिकेट के साथ में 500 करोड़ क्रॉस करने वाली भी ये पहली मूवी बन जाएगी। 18 से नीचे के लोग इसको देख नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है इतना क्रेज़ इस फिल्म का है जो वाकई में कमाल की बात है। अर्ली एस्टिमेट के अलावा जो फाइनल फिगर सामने आएंगी वो लेकर भी हम आपके सामने आएंगे जल्दी ही। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।